आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ SNB क्विक पे एप्लीकेशन में लॉगिन करते वक्त या फिर SNB मोबाइल एप्लीकेशन में लॉगिन करते वक्त अगर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें, इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप इस चैनल को इसी तरह सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन के बेल आइकन पे इसी तरह क्लिक करके ऑल पे भी इसी तरह क्लिक कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप SNB क्विक पे एप्लीकेशन की लॉगिन की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं तो आप SNB क्विक पे एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। अगर आप SNB मोबाइल एप्लीकेशन की लॉगिन की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं तो आप SNB मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। दोनों का एक ही तरीका है लॉगिन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। ओपन करने के बाद यूज़र नेम और पासवर्ड में आप अपने अकाउंट का इंटरनेट बैंकिंग का यूज़र नेम और पासवर्ड में पासवर्ड इंटर करके आप नीचे लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपके अकाउंट में जो भी आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उस नंबर पर एक कोड आएगा, उस कोड को इसी तरह इंटर कर देंगे। कोड एंटर करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखना है, अगर आप SNB क्विक पे एप्लीकेशन में लॉगिन की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसके बाद नीचे रजिस्टर विद कॉलबैक पे क्लिक कर देंगे। अगर आप SNB मोबाइल एप्लीकेशन की लॉगिन की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसके बाद नीचे रजिस्टर विद कॉलबैक पे क्लिक कर देंगे। दोनों का एक ही तरीका है लॉगिन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। रजिस्टर विद कॉलबैक पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक फ़ोन आएगा, उस फ़ोन को आप रिसीव कर लेंगे। आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल पर फ़ोन आ गया, इसको मैं रिसीव कर लेता हूँ। फ़ोन को रिसीव करने के बाद अगर ये अरबी में बोलेगा या फिर इंग्लिश में बोलेगा तो आपको सिर्फ इसी तरह एक दबाना होगा। आप इसी तरह एक दबा देंगे। एक दबाने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक कोड आएगा 4 डिजिट का, यानी 4 हिस्सों का, यानी 4 अंक का। आप मैसेज में देख सकते हैं, यहाँ पर आपके मैसेज में भी इस तरह का आपको एक मैसेज मिल जाएगा। उस मैसेज में आपको भी इस तरह का एक कोड मिल जाएगा। आपके मैसेज में जो भी कोड आया है सेम उसी कोड को आप इसी तरह इंटर कर देंगे। इसके बाद नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं डेविस रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। इसके बाद नीचे टेक मी टू लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। अब आप लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर आपके अकाउंट का इंटरनेट बैंकिंग का यूज़र नेम और पासवर्ड टाइप नहीं तो आप यहाँ पर इंटर कर देंगे। इसके बाद नीचे लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक कोड आएगा, उस कोड को इसी तरह इंटर कर देंगे। आप देख सकते हैं लॉगिन हो गया। इसी तरह आप लॉगिन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं SNB क्विक पे एप्लीकेशन की या फिर SNB मोबाइल एप्लीकेशन की।